Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasha taraba wa hina manza habadullahi sya'alahu tawarraka subhu fi kafaya wa antasaba. आप सब लोग खरीद से हैं और आज है जी 5th of January. और कांट बिलीव कि हम उम्रे पे जा रहे हैं. बिल्कुल भी. और अल्लाह ताला ने हमें इस सादत के लिए चुना. मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा. बिल्कुल ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही ऐसे साथ हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग. अभी टाइम शॉर्ट है, तैयारियां वगैरह जारी है, सामान वगैरह पैक हो गया, गाड़ी वगैरह आ गई है. तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, फिर वहां से हम जाएंगे जद्दा एयरपोर्ट इंशाल्लाह, फिर वहां से मक्का जाएंगे और फिर मदीना हमने जाना है. 21 दिन का हमारा स्टे है. तो सारी अपडेट्स आपको जो है ना उम्रा की देंगे कि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस तो जारी सी बात है अच्छा रहेगा इंशाल्लाह. तो ये है कि जिस तरह टाइम स्पेंड होगा सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे. मेरा तो और आपका भी फर्स्ट टाइम है. पेरेंट्स हमारे गए हुए हैं तो उनसे साथ साथ गाइडेंस लेंगे और प्रॉपर व्लॉग हम इंशाल्लाह बनाएंगे इसका. और जिन जिन लोगों ने नाम लेके मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, जो इवन मक्का में भी हैं, मदीना में भी हैं लोग, मेरे हमारे अपना घर डॉट पीके की ऑडियंस और इसके साथ काफ़ी लोग पाकिस्तान से जिन्होंने अपनी दुआओं के लिए रिक्वेस्ट की है, सबकी लिस्ट जो है वो मैंने बनाई हुई है इंशाल्लाह. सबकी दुआएँ जो है वो अलग के घर जाके ज़रूर हम करेंगे इंशाल्लाह. ये हैं जी हमारे हर दिल अजीज रिजवान भाई और ये पापा बस अभी हमें ड्रॉप करने आए हैं और साथ दूसरे स्नैन में भी हैं. वो अभी क्या लेने गए हैं? ट्रॉली लेने गए हैं. हाँ तो आपका बहुत शुक्रिया आने का. और याद रखना है खुसूसी बाकी पीछे अभी जो अपना घर डॉट पीके की ऑडियंस देख रही है, आप सब अभी इनको तंग करेंगे. अभी मेरा सारा नंबर इन्हीं के पास है तो इंशाल्लाह. तो जी यहाँ से हमने अपने बस्ते कस लिए, पाकिस्तान और रिजवान भाई को कर दिया अलविदा और चल पड़े दुनिया के सबसे खूबसूरत सफ़र की जाने. बोर्डिंग पास लिए, एहराम वगैरह जो है वो पहन लिए और अभी हम इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं. सो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये व्लॉग बनाने के मल्टीपल जो हैं वो पर्पसेस हैं. एक तो आप लोगों को उम्रे का सफ़र दिखाना, लेकिन उसके साथ कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, कुछ अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और कुछ एडवाइसेस जो कि आप जब भी उम्रे के लिए आएँ और स्पेशली जो आजकल का डे एंड एज है उसके अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने ये चीज़ें करनी हैं. मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा. तो यहाँ से हम अपने एयरप्लेन के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और हमने PIO को चूज़ किया. उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न थी जो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा. इसके अलावा हमारी जो टिकट थी वो बिज़नेस क्लास में फॉल कर रही थी. तो अभी जो है वो हमने एहराम बांध लिया है और बस जहाज उड़ने वाला है, बोर्डिंग हो गई है. सो अभी वेट कर रहे हैं, साथ साथ आगे चल के भी आपको अपडेट्स देंगे. हमने यहाँ से जाना है जद्दा एयरपोर्ट और फिर वहाँ से बसेस हमारी आगे आएंगी और वी विल गो टूवर्ड्स मक्का. तो इंशाल्लाह साथ साथ सारी अपडेट्स जो है वो मैं आपको देता रहूँगा. हाँ जी बेगम साहिबा. बस आसपास का माहौल देख रही हूँ और तलबियाँ पुकार रहे हैं. तो यहाँ से हमारा सफ़र ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था और इसके साथ PIA क्रू ने हमें जो है वो बड़ा वार्म वेलकम दिया एंड विद इन नो टाइम दे सर्व्ड अस वेरी डिलीशियस फूड. और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी. खाने की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी और खाना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रेश था. मैंने जो है वो अपनी तबीयत के मुताबिक शीरमाल लिया था आई गेस एंड बटर था उसके साथ, फ्रेश सैलड था, थोड़े से राइस थे और बारबेक्यू था. बिकॉज ब्रेकफास्ट का हमें टाइम नहीं मिला था तो भूख काफ़ी हद तक लगी हुई थी. फिर उसके बाद उन्होंने हमें स्वीट डिशेस जो हैं वो सर्व की, जिसमें मैंने पेस्ट्रीज जो हैं वो पिक की. अब ये नहीं समझना कि भाई दोनों मैंने ही खानी है, ये एक मेरी और मेरी मिसेस की है, मैं इतना नहीं खाता. और इसके साथ फ़्लाइट हमारी जो है वो इस्लामाबाद टू जद्दा थी. 5.5 घंटे का जो है वो सफ़र था. फिर इसके बाद आफ्टर सम टाइम दे हैव ऑफर्ड अस टी और कॉफ़ी. मैंने जो है वो कॉफ़ी पिक की. सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा था. लैक ऑफ एंटरटेनमेंट थी यहाँ पे, कोई इवन बिज़नेस क्लास में भी कोई स्क्रीन्स नहीं थी या वाईफाई वाला सिस्टम नहीं था.
लेकिन स्टिल जो कैबिन था वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन था, सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी, लेग रूम हमारे पास बहुत अच्छा आ रहा था सीट्स के अंदर। थोड़ी सी टर्बुलेंस थी जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर। फिर उसके बाद हमने कैप्टन से रिक्वेस्ट करके जहाज़ के मेन कैबिन के अंदर जहाँ से जहाज़ ऑपरेट होता है इसके अंदर भी आए। अच्छा जी, यहाँ पे कंट्रोल्स और बटन्स इतने ज़्यादा थे, मैंने कैप्टन से कहा कि यार ये कोई 10-15 बंदे होते हैं जो इनको ऑपरेट करते हैं। कैप्टन साहब जो है वो हंसने लग पड़े और उन्होंने कहा कि जी नहीं, सिर्फ हम दो ही लोग होते हैं, एक हमारे सीनियर ऑफिस सीनियर कैप्टन होते हैं, उसके साथ जूनियर कैप्टन या ट्रेनी होते हैं। अभी यहाँ से हम जी अल्लाह की मदद से जद्दा एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड कर चुके थे। ये याद रहे कि जद्दा एयरपोर्ट वैसे बड़ा मॉडर्न है आपस की बात है अगर आप देखें, लेकिन इन्होंने जो उमरा के लिए टर्मिनल सेपरेट बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल एक सादा सा एयरपोर्ट है, और यहाँ से हम अभी सामान वगैरह अपना उतार के एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, हमारी बसेस बाहर मौजूद हैं। फिर हमने अपना वाउचर देखा, वाउचर में जो हमारी बस लिखी हुई थी उसमें जाके जो है वो हमने अपनी सीट्स ले ली और चल पड़े। इसके बाद हम अगेन दुनिया के सबसे खूबसूरत सफ़र पे फ्रॉम जद्दा टू मक्का। अब जद्दा से लेके मक्का का जो डिस्टेंस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 100 किलोमीटर्स जो कि आपका तय होता है। वैसे तो अगर आप विदाउट एनी ब्रेक जाएं तो आप 1.5 आवर में वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बीच में हमें स्टे भी करवाया था। रोड्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया की बहुत ज़बरदस्त हैं, यहाँ पे कानून की पासदारी है, हर कुछ किलोमीटर्स के बाद जो है वो यहाँ पे आपके कैमराज लगे हुए हैं जिसमें आज जिन्होंने पैसेंजर साइड पे इवन अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपको जो है वो मुखालफा हो जाएगा। सऊदी ज़ुबान में यानी कि अरबी ज़ुबान में मुखालफा जो है वो चलान को कहते हैं। तो अभी यहाँ से हम अपने सफ़र पे रवा दवा हैं और ये आप देखेंगे कोई बंदा अपनी लाइन छोड़ेगा नहीं, ठीक है, हर बंदा अपनी लाइन में रह के गाड़ी चलाता है। फिर रस्ते में इन्होंने हमें एक जगह पर स्टे करवाया जस्ट टू ऑफर नमाज, और जिसने कोई चीज़ें खानी है वो खा लें। उसके बाद तो यहाँ से हम जी एंटर हो चुके हैं मक्का में, और यहाँ की तारीखी रोड इब्राहिम खलील रोड, जो लोग उमरा करने आए हैं स्पेशली जो पाकिस्तानी है वो इस रोड को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके साथ अभी यहाँ से हमने सामान वगैरह अपना जो है वो उतारा और रवा दवा है होटल में सामान रखने के बाद टूवर्ड्स द हरम। तो ये चीज़ मैं आपको दोबारा याद करवा दूँ कि दिस वाज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं उम्रे के लिए आया था और मक्का आया था, तो मेरे लिए सब चीज़ें बिल्कुल न्यू थीं और एक ऐसा एक्सपीरियंस थे जो कि मैं शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। एक्साइटमेंट तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल की थी, लेकिन माइंड मेरा ना बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, लाइक आई वॉज़ नंब। मुझे पता था कि अभी मैं 5 मिनट्स का डिस्टेंस तय करूँगा तो हरम पाक जो है वो मेरे सामने होगा, खाना काबा मेरे सामने होगा, मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगा, तो मुझे पता नहीं लग रहा था, यह मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको देख के रिएक्ट क्या करूं, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना माइंड मेरा ब्लैंक हो चुका था। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम के मस्जिद हरम के मैं जो सहन में आया। फिर यहाँ से देखते ही देखते हम खाना काबा के इतने करीब जा पहुँचे कि कभी इमेजिन नहीं किया था। क्लॉक टावर आपको ऊपर यहाँ से नज़र आ रही है, आपको यहाँ पर हर ज़ात हर नस्ल हर रंग का जो है वो इंसान देखने को मिल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने तवाफ़ में जो है वो मसरूफ़ है। तो यहाँ से जो है वो मैंने अपना फ़र्स्ट उम्रा अपनी फैमिली के साथ अदा करना शुरू किया। उम्रे के हवाले से मैं गाइड करता चलूँ, अहराम आपने बांधना होता है सबसे पहले जो कि आप पाकिस्तान से या अपने जो मुल्क है वहाँ से बांध के आते हैं, उसकी कुछ पाबंदियाँ होती हैं, उसको फॉलो जो है वो आपने करना होता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर पहुँच के आपने तवाफ़ काबा करना होता है जो कि 7 चक्कर होते हैं खाना काबा के गिर्द, उसके बाद आपने जो है वो 2 नफल अदा करने होते हैं। फिर आप करते हैं जी उम्रे का आखिरी रुकन अदा जो कि सफ़ा मरवा के 7 चक्कर होते हैं। सफ़ा मरवा की हिस्ट्री आप लोगों में से उम्मीद है कि सब लोगों को पता होगी, और खाना काबा का जी मंजर ये एक अलग है, इसका एक जलाल है, इसका एक रोब है, इसका एक मरतबा है, और यहाँ पे आप 24 घंटे में से किसी भी टाइम आए आपको इतनी ही आवाम मिलेगी। आपको यहाँ पर करने के लिए एक तो हतीम के अंदर आपने 2 नवाफिल अदा करने होते हैं, फिर इसके अलावा यहाँ पे आपने जो है वो हिजरा असवद को बोसा देना होता है जो कि मैंने बहुत कोशिश की, इस बार रश थी, मैंने 3-4 बार जो है वो धक्का मुक्की करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की लेकिन आई वॉज फेल्ड। तो अल्लाह ताला ने मौका दिया, इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे। ये आपके सफ़ा मरवा जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ आप सफ़ा से जो है वो मरवा की तरफ जाते हैं, 7 चक्कर लगाने होते हैं, ये थोड़ा टफ होता है, तो इसके लिए आप लोग आएँ तो तगड़े होके आएँ, वॉक वगैरह पाकिस्तान से या आपका जो भी कंट्री है वहाँ से आप करके आएँ, अपने आप को फिट करके आएँ, हाइड्रेटेड रहें,
साथ साथ जो है वो जमज़म पीते रहें, और जमज़म जो है वो आप जो भी बीमारी है आपको वो आप जहन में रखें, और उसी को जहन में रखते हुए आप जमज़म जो है वो गटागट पी जाएं। अल्लाह ताला जो है वो उसमें शिफा है और तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो आसानी है उसमें। तो जी हमारा ये फ़र्स्ट डे जो है वो ख़त्म हो गया था। रात को जाके हमने तगड़ी सी नींद की, फिर इसके बाद सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद नेक्स्ट डे हमारा फ्राइडे था, यानी कि जुम्मे का दिन। जुम्मे के दिन आप लोगों ने, अगर आप चाहते हैं कि जी मस्जिद अल हरम के अंदर जाके नमाज़ पढ़ें, तो 3 घंटे पहले आपने उठ जाना है, नहा धो के आपने जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए निकल जाना है, जिस तरह हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन नमाज जो है वो 12:30 बजे होती है, और 3 बजे हम जो है वो 3 घंटे पहले हम वहाँ से निकल चुके थे अपने होटल से। जुमे की नमाज़ अदा कर ली, अदा करने के बाद यहाँ से हम बाहर आए, और अभी भूख भी लगी हुई है, लेकिन अभी तक जो है वो मैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तमाम मनाजिर, तमाम बिल्डिंग्स, आगे पीछे जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है वो देख रहा हूँ, और माइंड जो है वो एक प्रोसेसिंग के फेज़ के अंदर है। तो बहरहाल चलने के बाद, जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद ठीक ठाक किस्म की भूख लगी, तो हम यहाँ पर आए जी बरोस्टल फ्रूज के पास। यहाँ पर मक्का में आप लोग याद रखें कि अलबैक आपका अवेलेबल है, लेकिन इस पर ब्रोस्ट नहीं होता, सिर्फ नगेट्स होते हैं। तो हमने तो ब्रोस्ट खाना था, तो इसलिए हम ब्रोस्ट अल्फ्लोज जो कि आपका मेयर इब्राहिम खलील रोड पे, उस पर आए, जिसमें आपको प्रॉपर पैकेज होता है, बन होते हैं, उसके साथ सॉस होती है, प्रॉपर चिकन के 4 पीसेज होते हैं, फ्राइज़ होती है, इसके टेस्ट काफ़ी अच्छा था। जो अलबैक है फिर हमने मदीना में ट्राई किया था, वो आपको मदीना वाले व्लॉग में जो है मैं उसका रिव्यू दूंगा। और यहाँ से अभी हमने ब्रोस्ट और फ्रोज जो है वो खा लिया, और अगेन अब हम मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए, यहाँ पे आपका यही रूटीन है, आपने उठना है, खाना है, पीना है, और नमाज़ अदा करनी है मस्जिद अल हरम में जाके, इसके अलावा कोई रूटीन ही नहीं आपकी। तो ये मगरिब का एक मैं आपको प्यारा सा व्यू दिखा रहा हूँ, शाम को जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तो उसका एक मंज़र ही अलग होता है। फिर मगरिब की नमाज़ जब आप अदा कर लेते हैं, तो इशा की नमाज़ में तकरीबन 1.25 घंटे का फ़र्क होता है। तो फिर मैं यहाँ से फ़र्स्ट फ्लोर पे आ गया, मैंने कहा मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे भी जाके देखता हूँ कि क्या मामला आता है। सामने जो है वो यहाँ पे भी जमे कफ़ीर जो है वो मौजूद होता है, और लोग ऊपर से भी खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होते हैं, कई लोग व्हील चेयर्स पर जो है वह तवाफ़ काबा कर रहे होते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के इल्म में ना हो। पहले तो ये होता था ना कि आप जो भी कपड़े पहने हैं आपने, आप नमाज़ अदा करने भी नीचे हरम में जा सकते हैं खाना काबा के पास। अभी वहाँ पे आपको नहीं अलाउड जब तक आपने अहराम ना बांधा हो, यानी कि वो लोग ये कहते हैं, सऊदी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो बंदा उमरा करने आ रहा है, जिसने तवाफ़ काबा करना है या जिसने सफ़ा मरवा करनी है, वो ही सिर्फ नीचे जो है वो जा सकता है, और उसके अलावा कोई बंदा आपका नहीं जाता, क्योंकि बाहर शुरते खड़े होते हैं, यानी कि पुलिस वाले खड़े होते हैं। ये भी जहन में रखें कि वो काफ़ी बदतमीज़ होते हैं, उनसे भी आपने बचना है, जिस तरह वो बात की आपने माननी है, आगे से बहस या लड़ाई नहीं करनी। और कुछ हद तक वो भी बदतमीज़ होते हैं, कुछ हद तक हमारे पाकिस्तानी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शहज़ादे हैं, जिस तरह वो इंडिकेशंस देते हैं आपको, हमारे लोग उसको नहीं फॉलो करते, इसलिए वो जो है सख्ती से पेश आते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की बात है कि हम फिर जो है वो तवाफ़ काबा करने, नफली तवाफ़ जो है वो करने के लिए आए। ख़ानदान में हमारे जितने लोग जो है वो वफात पा चुके हैं उनका नाम लेके, और अहराम पहन के जो है वो मैं दोबारा आया। अभी आपको दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह जो है वो नीचे खाना काबा के पास पहुंचते हैं। ऊपर से फ़र्स्ट फ्लोर से आप लोग नीचे लिफ्ट से आते हैं, फिर यहाँ से चल के आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो खाना काबा की जो है वो विजिबिलिटी आपको ज़ाहिर होना शुरू होती है, और ये मंजर सबसे बेहतरीन होता है। आपकी बेशक जितनी मर्ज़ी थकावट है, आपकी तबीयत ख़राब है, आप अच्छा नहीं फील कर रहे, यहाँ पर आके आपकी ना जो है तबीयत एकदम ही जो है वो सेट हो जानी है। और क्योंकि यहाँ माहौल ही इस तरह का होता है, बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, ख़वातीन, हर एज फैलो जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आप जमज़म पीते हैं, आप यहाँ पे बैठते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, आसमान की तरफ़ देखते हैं, खाना काबा की तरफ़ देखते हैं, अपने आप को देखते हैं कि यार क्या मैं इस काबिल था कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पर बुलाया। एंड ऑनेस्टली अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा एट दिस यंग एज मैं अपनी फैमिली, अपनी मिसेस के साथ जो है वो यहाँ पर आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ थे। तवाफ़ के बाद आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड की मगरिब की अज़ान, जो आप अभी समाप्त फरमा सकते हैं। Allahumma salli
एक दिन मैंने अपना घर डॉट पी के की जो हमारा मेन चैनल है उसकी वीडियो पे बताया कि जी मैं इंशाल्लाह उमरे के लिए जा रहा हूँ। तो हमें जो है वो एक तो अल्लाह रखा भाई का मैसेज आया और इस तरह काफ़ी सारे और लोगों के मैसेज आए लेकिन उनको मैं जवाब नहीं दे सका। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मक्का में ही होता हूँ पिछले 10 साल से और यहाँ के तमाम रस्ते और तमाम चीज़ें जो है वो मुझे पता है, आपको किसी भी चीज़ की गाइडलाइन चाहिए हो तो मुझे बताएं। फिर इसके बाद मुझसे मिलने के लिए आया और उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे घूमना है आपने मेरे साथ घूमना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं। तो आज जी हमारे पास अभी मौजूद हैं अल्लाह रखा भाई, हमारे अपना घर डॉट पी के व्यूअर भी हैं, ऑडियंस भी हैं। और एक वीडियो में मैंने बताया था कि जी हम जो है वो उम्रे पे आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी आपने मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजारना है। और इन्होंने ये भी मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार जो ज्यारतें वगैरह वो मैं करवाऊँगा। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? तो आज हम बना रहे हैं व्लॉग, वैसे तो अपना घर डॉट पी के पे आप लोग देखते हैं लेकिन ये मेरा पर्सनल चैनल है असद अली के नाम से, तो उस पर जो है वो फुल फ्लैज उमरा व्लॉग आएगा। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इनका इस्लामाबाद से है और एसटीसी कंपनी में ये काम कर रहे हैं यहाँ पे सऊदी अरबी में फ्रॉम फास्ट आई गेस 10 ईयर्स। यू आर हियर टू फ्रॉम सिंस 2012। तो अभी आज का हमारा टूर क्या क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ पे हम जाने वाले हैं? सबसे पहले हम जा रहे हैं जमजम फैक्ट्री, जहाँ से जमजम डिस्ट्रीब्यूट होता है एयरपोर्ट या लोकली जितना भी है, ठीक है। फिर उसके बाद गारिसोर वाला एरिया देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद अरफात हो गया, मीना हो गया, ठीक है। और जमरात जो शैतान हम कहते हैं उसको जमरात कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्जिद कैफ वगैरह है, ठीक है। उसके बाद मस्जिद जुराना, गारे हेरा, ठीक है। और जन्नत अल मौला, ठीक है। जिन कोशिश करेंगे कि मे बी अगर टाइम म्यूजियम अगर ओपन हुआ, ओपन अंडर कंस्ट्रक्शन था पहले, ठीक है, कुछ टाइम पहले, तो अभी मे बी ट्राई करते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन हो उसकी कंप्लीट होगी या अभी है तो फिर उसको भी हम टूर कर लेंगे, ट्राई करेंगे। सही हो गया, ठीक हो गया। तो आज को दिखा देता हूँ, मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है, वेदर में जो है वो स्लाइड रेन की जो है प्रेडिक्शन है। तो वेदर भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है यहाँ का सऊदी अरेबिया का, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा इतने सालों में, क्योंकि आप अभी मुझे बता रहे थे कि 3-4 दिन लगातार बारिशें भी रही हैं यहाँ पे, मोर देन 4 to 5 days। सही है। तो अभी आप देख, इस्लामाबाद की लाइक अगर हम बात करें तो विंटर की पहली बारिश हमारी लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हुई है, अमूमन नवंबर में होना स्टार्ट हो जाती है। तो वर्ल्ड वाइड जो है वेदर चेंज हो रहा है। इसके बारे में ब्रीफ करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से ना जितना भी वो पानी वगैरह जमजम है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको पैकिंग वगैरह, पैकिंग, ठीक है, वो एयरपोर्ट है या लोकली यहाँ से हम लोग परचेज करना चाहिए तो, ठीक है, ठीक है, सही है। यहाँ से उतर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स जमजम फैक्ट्री। और ये मॉर्निंग व्यू, अभी सुबह के जो है वो 7 बजे हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू, इट्स लुकिंग ऑसम माशाल्लाह। एक्सीलेंट। तो ये आप देख लें कि जमजम वाटर फैक्ट्री, हाँ जी, अभी कहाँ पे आए हैं हम? अभी हम आए हैं जमजम फैक्ट्री। एक हमें रिक्वेस्ट इनसे की है किस चीज़ की? मेरा दिल, मैं जाऊँ मक्का तो जहाँ गिलाफ़े काबा बनता है मैं वो जगह देखूँ, या अल्लाह ताला मुझे इस काबिल समझे कि मैं अपने हाथों से गिलाफ को जो है थोड़े से स्टिचिंग कर सकूँ। पता नहीं ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन बड़ी दिल में कहा है ये चीज़। और देखें वो ये कह रहे हैं कि म्यूज़ियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी हम जाके देखेंगे कि वेदर वो ओपन है कि नहीं है पब्लिक के लिए। रिक्वेस्ट भी हमने की है वहाँ पे। जी ठीक है। अभी क्या चीज़ है ये टोकन इन्होंने दिया, ठीक है। ये बार कोड हम स्कैन करेंगे, हमारी ये 2 नंबर ये काउंटर कह सकें, ठीक है, ठीक है, 2 नंबर पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो
मेंशन है वो ओके केबिन वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, यानी एक नंबर के चार पांच हैं, दो के चार पांच हैं, तीन के चार के ये सामने देखेंगे, सही है, यहाँ से ये स्कैन करेंगे, ठीक है, जितनी हमारी वो बोतल रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो हमें वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा दो नंबर, मतलब एक नंबर के काफी सारे हैं, एक नंबर के काफी, दो नंबर के, ठीक है, अगर रश हो तो इजीली टैकल हो सके, रश वैसे उन्होंने ठीक है बना दिए, क्या आया अभी तो हम आए हैं तो बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन ये अभी नहीं, सुबह के टाइम पे नहीं है, जितने भी हैं वो रात में होते हैं, ठीक हो गया, ये रात को लेट तक भी ओपन हो सकता है, ओके वेरी गुड, वेरी गुड, अभी जैसे एक और, ठीक है, जैसे अंदर से भी हम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया होगा, लेकिन वो मे बी कैमरे में होती है, या अभी हमने दो रिक्वेस्ट की थी तो हमारी दो रिसीव, ठीक, ये ऑटोमेटिकली इधर वो बनी हुई है, वो रोटेट हो रही हैं, ठीक है, सही है, सामने देखेंगे पाइप भी निकाल रहे हैं, सही है, वो उनको वो उन्होंने ज़्यादा ले ली थी फैमिली वाइज, ठीक है, सही है, हमने दो रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, दो ये प्री पैक्ड है, हाँ जी, इसी तरीके से आपको मिलेगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे, लेकिन वो पैकिंग में थोड़ा पैकिंग में होगा, ठीक है, सेम ही होगी बोतल, गत्ते की जो बॉक्सिंग होती है, हाँ, उसमें होता है, सही हो गया, तो ये अभी दो बोटल्स हमें कितने की मिली है, ये 10 रियाल की, वैसे तो उसने 10 ली है, लेकिन ये 11 रियाल की थी, अच्छा 11 रियाल, हाँ जी, सही है, पहले उसमें ना हमारे, तो अभी अल्लाह रखा भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं, गारेसोर पे जा रहे हैं, ऊपर तो मुश्किल है आप लोग जा सकते, ठीक है, नीचे से हम उसको जहाँ से इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है, बसेस वगैरह जो है मैं वो भी दिखाऊंगा कहाँ पे दिखाती है, बिल्कुल काफ़ी दूर से दिखा दूर से दिखा देती है, ये है, लेकिन हम वो उसको पास में नियरेस्ट पॉइंट पे चले जाके देख लें जहाँ से वो यानी इंटरेस्ट कह सकें, ठीक है, दफन वगैरह जो हुए वो पढ़ने हुए थे फिर वो बता दीजिए, गारेसोर, लेकिन हम आगे तक जाएंगे, सही है, अभी हम यहाँ से जाते हैं जी गारेसोर, ये बसेस सारी आई हुई हैं, अभी हम उतर चुके हैं और गारेसोर की तरफ जो है वो हम आए हैं, अच्छा ये बल्कि मिट्टी भी आई थी पाकिस्तान से, ये दरख्त भी और मिट्टी दोनों चीज़ें, ठीक है जी, एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई है कि जो यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी है वो पाकिस्तान से आई हुई है उसका कुछ पोर्शन, यानी वो मगरिब का थोड़ा सा टाइम जो है उसमें आपने पहुँचना, ये इन्होंने ट्रेन का स्टेशन बनाया हुआ है, अच्छा, वहाँ से शैतान से लेके यानी जबरा से लेके यहाँ अरफा तक ये इन्होंने स्टेशन बनाया हुआ है, ठीक है, ये कंप्लीट वहाँ तक है, एक सेपरेटली भी इन्होंने ट्रेन लॉन्च की है यहाँ से जद्दा जाती है, यहाँ पूरा एरिया, ठीक है, फिर इसके बाद मक्का में जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी जी आपकी जबले रहमत, जबले रहमत की इस्लामी तारीख में जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है, एक तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ करते थे और माफ़ी मांगते थे और यहीं पे जो है वो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ी दी थी कि जो उन्होंने गंदम के दाने खा लिए थे और अल्लाह ताला की जो है वो नाफरमानी की थी, तो एक तो इस लिहाज से रहमत जबले रहमत इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उन्हें यहाँ पे फ्राहम की गई थी, और फिर इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आखिरी हज का जो है खुतबा यहीं पे दिया था, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो जमा थे,
ये आपका मेन जो डेस्टिनेशन है जबल रहमत की हाइटेड जो है वो आपकी ये जगह है। आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जमा होते हैं। दीवार पे जो है वो लोगों ने अपना अपना नाम लिखा हुआ है, जो कि ऊपर हालांकि लिखा हुआ भी है कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। खैर, तो उसके बाद हम आ गए जी अपने अरबी रंग के अंदर। और आप अगर ये वाला ड्रेस पहन के सऊदीया में घूमेंगे तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर आप एज़ अ पाकिस्तानी घूमेंगे तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पाकिस्तानीज़ हैं उनकी यहाँ पे ये लोग लोकल्स यहाँ की रिस्पेक्ट नहीं करते। खैर, तो अभी यहाँ पे हम आ चुके हैं जी मस्जिद नमरा में, और ये मस्जिद जो है वो फ़िलहाल बंद थी। और इसके बाद जो है वो आगे चल के अल्लाह रखा भाई जो है वो आपको हज के जो है तमाम अरकान और जो 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 जगह हैं उसके दौरान आप लोगों को जाना होता है वो बताएँगे। जमारात है, मिना है, और उसका डिस्टेंस भी जो है वो यहाँ से लिखा हुआ आ रहा था। इसके बाद हम वो जगह भी दिखाएंगे आपको कि जहाँ पे हाजी क्याम करते हैं, जहाँ पे उनके कैंप्स होते हैं। और फिर इसके साथ साथ मौसम जो है ना वो दैट वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप मक्का में जिस जगह पे भी नज़र दौड़ाएंगे पहाड़ आपको ग्रीन लगेंगे, लगेगा कि नॉर्दर्न एरिया में आप अभी घूम रहे हैं, और ये एक क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। खैर, इस पर बात करते हैं। अभी हम आ चुके हैं जी यहाँ से उस जगह पर जहाँ पर हज के अयाम में हाजी जो है वो जिस जगह पे क्याम करते हैं और जो कैंप्स वगैरह होते हैं। और फिर यहाँ से हम टनल से आके जाते हैं और इसके बाद आपको दिखाएंगे जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। तीन जो है वो शैतान होते हैं वहाँ पे, इन तीनों शैतानों ने जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो वरगलाया था। इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह की, जिस तरह हम सब लोग जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से कुर्बानी करते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया कि अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो है वो कुर्बानी करें। तो जब वो मिना से कुर्बानी करने के लिए जा रहे थे तो रस्ते में उनको तीन शैतान मिले। सबसे पहले जो है वो छोटा शैतान था, उसने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि यार आप जो है वो अपने बेटे की कुर्बानी ना करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन शैतान की एक ना सुनी और उन पर सात जो है वो कंकरियाँ मारी, जिसके बाद वो जो है डिसअपेयर हो गए। और फिर उसके बाद यही वो जगह है जहाँ पे शैतान था और इस पर अब दीवार बना दी गई है। यहाँ से लोग पत्थर मारते हैं और पत्थर जो है वो नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को जो है वो शैतान से बचाए और राह रास्त की जो है वो हिदायत दे। हम यहाँ से आगे चलते हैं। हज के अरकान में से एक सबसे बड़ा रुकन जो है वो कुर्बानी होता है। तो ये आपकी जगह है जहाँ पे आके आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी कुर्बानी के लिए, और वहीं पे वो लोग आपका जानवर जो है ज़िबा करते हैं और गोश्त जो है वो आपको फ्राहम कर दिया जाता है। इस तरह नहीं होता कि आप जानवर जो है वो अपने साथ लेके आएँ, जिस तरह हमारे मुल्क में मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस है। और फिर इसके बाद हम यहाँ से आगे जाने लगे हैं सबसे तारीखी जगह जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक की पहली वही नाजिल हुई, ग़ार हिरा। गारे हिरा काफ़ी एक स्टीप जो है वो माउंटेन है और गाड़ियाँ भी जो है यहाँ पे बड़ी मुश्किल से ऊपर जाती हैं। तो यहाँ पे जब भी आप आएँ तो ध्यान से जो है वो गाड़ी को ड्राइव करें, और ताकि आप भी जो है वो सेफ़ रहें और जो आपके साथ दूसरे लोग हैं वो भी सेफ़ रहें। अभी हम यहाँ से आए हैं जी मक्का म्यूज़ियम में, जहाँ पर खाना काबा की जो है वो पुरानी तस्वीरें भी हैं और खाना काबा की काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, और जहाँ पे आप लोग जब भी आएँ तो टूर लाजमी करें। इस पे आपको जमजम की भी हिस्ट्री बताई जा रही होती है, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे इस तरह की होती हैं कि जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होती। तो आप जब यहाँ पे आते हैं तो ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। क्लॉक टावर आप लोगों ने जिस तरह मक्का में देखा, ये उसकी पुरानी क्लॉक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो मस्जिद हरम है उसकी जो गेट की पुरानी तख्तियाँ हैं वो भी देखने को मिलेंगी, जिस तरह अभी आप लोग देख रहे हैं गेट नंबर भी उस पर लिखा होगा। अभी ये काफ़ी सारी चेंज हो चुकी हैं। तो मक्का म्यूज़ियम से वापस आने के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि हमारा मक्का का जो सफ़र था वो ख़त्म होने का था, क्योंकि पहले आठ दिन हमने मक्का में गुजारने थे, फिर उसके बाद अगले सात दिन मदीना में,
और फिर हमने मक्का जो है वो वापस आना था। तो फिर इसके बाद हमने सोचा कि कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली जाए क्योंकि टाइम शॉर्ट है, और खजूरें वगैरह लेनी थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, और इसके साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह, कुछ परफ्यूम्स वगैरह चेक करने थे। तो उसके लिए जो फिर टाइम निकाला गया, हर मस्जिद अल हरम के सामने ही जो है वो एक मॉल था जिसका हमने रुख किया, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी की चीज़ों के, लेकिन कंपैरेटिवली आगे पीछे जो शहर है उससे यहाँ पे चीज़ें ज़रा एक्सपेंसिव हैं, तो आप लोग ये चीज़ मद्देनज़र रख के आएँ। तो मुझे कुनाफा भी, आप लोगों को पता है कि मशहूर अरेबियन स्वीट डिश है कुनाफा, वो भी चाहिए था। वो हमने कुछ शॉप से देखा, लेकिन मुझे वो चाहिए था जो कि फ़्रेश ऑन द स्पॉट आपको जो है वो बना के देते। फिर फॉर्चुनेटली इसी मॉल में जो है वो एक शॉप हमें मिली जो फ़्रेश कुनाफा ऑन द स्पॉट आपको बना के दे रहे थे, और उस पर शुगर सॉस की कोटिंग करके दे रहे थे। इसके अंदर जो है वो आपकी क्रीम चीज़ होती है जो कि काफ़ी मज़े की थी। तो इसको खाने के बाद फिर हम चल पड़े जी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें वगैरह चेक करने। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के रेट वैसे तो काफ़ी हाई हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, लाइक बिल्कुल फ्रेश हैं। आप पाकिस्तान में जितने मर्ज़ी एक्सपेंसिव आप डिफरेंट जगहों से टेस्ट कर लें, लेकिन आपको वो सम हाउ फील होगा कि यार ये बासी हैं। तो एक तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। फिर हमने ये दिन ख़त्म किया ब्रोस्ट अल फरूज पे जाके, और वहाँ से उनके फ़िश नगेट्स जो है वो मंगवा के, और चिकन ब्रोस्ट मंगवा के। सो अभी फिर रात को उसके बाद मैंने एक मंज़र देखा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि क्लॉक टावर के ऊपर जो है वो स्पेशल लाइट यहाँ पे लगाई गई है जो कि अप टिल द स्काई जा रही है, और इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि ये लाइट जो है वो आपकी सैटेलाइट से भी नज़र आती है, और ये सीन्स काफ़ी खूबसूरत थे। तो मैंने कहा आपके साथ ये सीन्स जो है वो लाजमी शेयर किए जाएं, क्योंकि ये जस्ट मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था, क्योंकि यहाँ पर हमें आए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो ये एक्सपीरियंस मैंने फ़र्स्ट टाइम ही किया था। तो फिर नेक्स्ट डे हमने जो है वो मदीने के सफ़र जो है वो करना था, और वी वर ऑन द वे। ये जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं अब मदीना का जो हमारा व्लॉग है, फिर इसके अलावा हमने ताइफ़ भी विज़िट किया। ताइफ़ का भी जो व्लॉग है वो हमारा सेपरेट आएगा, तो अभी सिर्फ हमारा ये मक्का का व्लॉग है जो आप लोगों ने देखा। तो वीडियो को लाइक करें ताकि नेक्स्ट व्लॉग्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें। स्टे ट्यून्ड।